हेलो एवरीवन वेलकम टू योर ओन चैनल तो कैसे हैं आप लोग स्पेशली uh, वो लोग जिनकी तैयारी चल रही है चार मार्च को पेपर होने वाला है एस बी आई का और एक अगर छोटा सा समरी देखो बैंकिंग एग्जामिनेशन का तो कहीं ना कहीं एक अभी पेपर इंश्योरेंस का भी होने वाला है जो फोर्थ मार्च को ही है और वो भी दो इंश्योरेंस का पेपर है uh, मार्च में ही फर्स्ट वीक में एंड ऑफकोर्स एस बी आई कलर का मीन्स भी है जाहिर सी बात है एंड uh, कल जैसा कि रिज़ल्ट भी आया है एस बी आई अप्रेंटिस का जिसका अभी स्कोर कार्ड भी आ गया है तो जिन लोगों को भी देखना है तो जाकर आप देख सकते हैं एस बी आई का स्कोर कार्ड अप्रेंटिस का आ चुका है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यू नो सामने आ रही है वो क्वेश्चन ये है कि आई डी बी आई एग्जीक्यूटिव की जॉइनिंग डेट कब आएगी अगर इसमें तीन चार क्वेश्चन मार्क में लगा लूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन हो गया है सबके माइंड में है आखिर ज्वाइनिंग डेट कब आएगी क्यों आखिर इतना लेट कर रहा है डी क्या प्रॉब्लम है इन्हें यार मतलब हद ही कर दिया इस बार उन्होंने एक तो रिज़ल्ट उन्होंने एक महीने प्लस लगा दिए रिज़ल्ट देने में ऑलमोस्ट एक मंथ से ज़्यादा हो गया उसके बाद डीवी तो चलो ठीक है जब डीवी फास्ट हुआ तो उम्मीदें थी कि ज्वाइनिंग भी हो जाएगी इवन बहुत लोगों को तो ये उम्मीद थी कि हमें तो एस बी आई कलर देने को भी नहीं मिलेगा सच्ची सच्ची बताना ये कितने लोगों को बत, मतलब फील हुआ था कि एस बी आई कलर का मेन्स एग्जामिनेशन हम नहीं दे पाएंगे ऑब्वियस ही बात है क्योंकि लोग ने सोचा कि पिछले बार दो जुलाई को पेपर हुआ था नाइन जुलाई को रिजल्ट आया था एंड यू नो अप्रॉक्स वन मंथ में आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी क्योंकि ऑब्वियस बात है आई थिंक थर्टीन अगस्त या फोर्टीन अगस्त से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी जिनका जहाँ था कोलकाता और जिस जिस स्टेट में जिनका था तो सबके माइंड में कब होगी कब होगी मुझे बस एक बात बताइए कि अगर रिज़ल्ट में नाम आपका है यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज अगर आप में आया है तो क्या रिजल्ट ज्वाइनिंग उनकी होगी जिनमें आ गया कि आप वेटिंग लिस्ट में हो या फिर आप आपका नहीं हुआ ऑब्वियसली आपकी आएगी तो क्यों मतलब क्यों आपको इतनी हड़बड़ाहट है आप एक बात बताइए एक्चुअली पता है क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट कम परेशान नहीं करते हैं कभी पहले क्या था बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा आई डी लेट हो जाए ताकि मैं एस का पेपर दे पाऊँ है ना और कुछ ने तो इतनी निगेटिविटी बात निगेटिव बात बोला उन्होंने कह दिया क्या कि आई डी बी की तो यही है कि वो एस को तो ऑब्वियस ही बात एग्जाम देने नहीं देगा बस दुआ है कि एस बी आई मैं एग्ज़ाम दे लूँ तो ठीक है ना आपने एस बी आई का एग्ज़ाम दे दिया आप और वो भी सही से पढ़ के दिया एक होता है ना कि चलो भाई उसने आपको टाइम नहीं दिया तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में यू you नो know, आना पड़ा जाना पड़ा कुछ नहीं एकदम स्थिर आराम से आपने पढ़ाई की आराम से यू you नो know, आपने पेपर दिया तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा मतलब अगर वेट हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है अभी आप सोचिए अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई होती सपोज कीजिए तो आप शुरू के फर्स्ट डे तो नहीं बोलते ना कि हाँ भाई मुझे पेपर देना है या चलो ज्वाइनिंग छोड़ो ट्रेनिंग ही चल रही होती तीन दिन की ट्रेनिंग होती है सबको पता ये बात बस तीन दिन की अगर इस तीन दिन में पच्चीस फरवरी पड़ जाता तो आप सोच सकते हैं कि आपका पेपर छूट जाता तो ये फॉर्चुनेट हैं आप आप फॉर्चुनेट हैं लास्ट ईयर आप किसी से भी पूछिएगा जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है ना पूछिएगा उन्हें दर्द है इस बात का कि उनके बहुत सारे पेपर छूटे हैं चाहे वो आर आर हो चाहे वो आई हो किन्हीं का एस बी आई पी कलर क्योंकि उस टाइम आर भी बी आई ही चल रहा था एस तो बाद में आया किन का किन्हीं का एक पेपर छूटा किन्हीं का दो और किसी किसी का तो मेंस तक छूट गया वो दे ही नहीं पाए आठ अक्टूबर या सात अक्टूबर को think, आई थिंक आईपीएस पी कलर का मेंस था और उस टाइम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की यू you ना know, ट्रेनिंग चल रही थी मेरी जान पहचान की एक लड़की है जिसने अपना मेंस छोड़ा था चलो बिकॉज कि उसको ज्वाइन करना था आई डी एग्जीक्यूटिव और वो वेट कर रही थी बाकी सारे पेपर्स के रिज़ल्ट का तो आप फॉर्चुनेट हैं आप खुश हो जाइए कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ अगर सपोज़ कीजिए इस अगर एस का रिजल्ट आता है और सिलेक्शन अगर हो जाता है आपका तब तो, तो आप आई डी वाई तुरंत छोड़ देंगे ज्वाइन करें या ना मतलब करेंगे अगर तो ऑबियसली बात है तुरंत छोड़ेंगे तो आपने एग्ज़ाम दिया तो सही तो तो बस खुशी मनाइए रिजल्ट आपके हाथ में है तो ज्वाइनिंग आपकी ही होगी बिल्कुल आपकी होगी और अगर आप मुझसे पूछिएगा कि कितना टाइम लगेगा इन्हें ज्वाइन करने में तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है एक वीक में ऑलमोस्ट एक वीक मतलब सात से आठ दिन में मेल करना वो शुरू कर देंगे क्योंकि मुझे लगता है वो वेट करा रहे बहुत हो गया अब अब जाहिर सी बात है वो वेट नहीं कराएंगे मैक्स टू मैक्स मैं कह रही हूँ सात से आठ दिन में रिजल्ट सॉरी ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी श्योर सर्टन आप लेकर चलिए तो खुशी मनाइए ना तब तो तक इन्जॉय कीजिए थोड़ा घूमिए फिरिए थोड़ा फैमिली को टाइम दीजिए थोड़ा था ना थोड़ा सा हो मतलब जिन लोगों ने ना आपको टाउंट दिया था कि इसका तो कुछ नहीं होगा भाई ये तो ऐसे ही वेल्ले बैठा है या बैठी है जाइए उनके क्या थोड़ा सा खाना पीना थोड़ा खाइए है ना मैं ये नहीं कहती कि शो ऑफ़ करने बैठ जाइए लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जब जब आपके फेवर में वक्त है फाइनली वो दिन आया जिसके लिए वो दिन मतलब रो रहे थे बहुत दिन से सुन रहे थे सबकी तो आपका भी हक बनता है कि आप खुशी बनाए उतनी ही इवन जितना आपने आंसू बहाया ना उससे डबल ट्रिपल खुशियाँ आप बनाए तो बस ये टाइम है आपको इन्जॉय करने का आपको यू ना आपको हैंग आउट करने का अपने फ्रेंड्स स्पेशल वन मैमिली मम्मी पापा और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसके साथ मतलब इंजॉय कीजिए अपने इस लाइफ को है ना क्योंकि जो ये ज्वाइनिंग के पहले का जो टाइम होता, ना, होता है ना बहुत खूबसूरत होता है है ना डॉक्यूमेंट डीवी और ज्वाइनिंग के जो बीच का पीरियड होता है ना बहुत खूबसूरत होता है तो क्योंकि आपके माइंड में एक प्रेशर ख़त्म है कि आप जॉबलेस बैठे हो आराम से कीजिए मतलब खुशी मनाइए उस चीज़ का मैं बस ये आपको कहना चाह रही हूँ और कुछ नहीं तो मैंने बोला ना जैसे कि मैंने जैसे बताया कि मैक्स टू मैक्स ये सात से आठ दिन में आपकी ज्वाइनिंग करना शुरू कर देंगे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि आई का ऑलरेडी जैम का जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो निकला था जिसका एग्ज़ाम थर्टी फर्स्ट को हुआ था थर्टी या थर्टी फर्स्ट को हुआ था थर्टी फर्स्ट आई थिंक था थर्टी फर्स्ट दिसंबर को जो हुआ था तो उसका अभी जो वहाँ मणिपाल में शुरू हो गया जो है ना बारह फेबर से था वो तो उनकी भी बैच शुरू है प्लस एक फॉर्म और आ चुका है जिसका कल लास्ट डेट था ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स फाइव को लास्ट डेट था तो ये सारे काम में थोड़ा सा ऑब्वियस अब आता है थोड़ा लेट हो जाता है बट टेंशन मत लीजिए हंड्रेड परसेंट मान के चलिए मुझे जहाँ तक लगता है वो दस दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग करवा देंगे ज्वाइनिंग क्या मतलब तीन दिन की ट्रेनिंग तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मस्ती कीजिए क्योंकि अभी तो कोई पास में एग्जाम भी नहीं है तो जाहिर सी बात है और जिनका भी पेपर है तो आप वैसी बात है पढ़ाई कीजिए बट इसकी चिंता आप मत कीजिए बिल्कुल भी मत कीजिए आपकी ज्वाइनिंग होगी और जल्दी होगी तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए